एंड वेलकम बैक टू 91 व्हील्स। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रोज एंड कॉन सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे Hyundai i20 N लाइन के 5 प्रोज और 2 कॉन्स की। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। यही नहीं, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम i20 N लाइन के पहले प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसका स्टाइलिंग। वैसे तो ये गाड़ी जो नॉर्मल i20 है उस पर बेस्ड है, बट Hyundai हैज डन इनफ टू गिव इट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अगर हम इसके फ्रंट एंड को देखें तो बम्पर इसका काफ़ी स्पोर्टी हो गया है। इनफैक्ट एक काफ़ी वेल प्रोनाउंस्ड डिफ्यूज़र मिल रहा है आपको यहाँ पे, जिसमें आपको रेड हाईलाइट भी मिल रहा है। एंड यही नहीं, इसकी जो ग्रिल है ये भी नई है, ये चेकर्ड फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पे एक एन लाइन बैज मिलता है एंड ओवरऑल इसका जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी भी लगता है। और फ्रंट की तरह साइड में भी जो आपको स्कर्टिंग देख रहे हैं आप, उस पर रेड एक्सेंट्स मिलते हैं, एक एन लाइन का बैज मिलता है और ये नए आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब ये एलॉय व्हील्स जो हैं ये स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस द वेरिएंट्स, तो रिगार्डलेस ऑफ विच वेरिएंट यू पिक आपको यही डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे 16 इंच के। और फाइनली अगर हम रियर एंड पे देखें तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। इसका जो बम्पर है वो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है और साथ ही में एक स्पॉइलर भी मिल रहा है आपको टू वैलिडेट द स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स ऑफ दिस व्हीकल। एंड ओवरऑल आई फील Hyundai has done a good job to differentiate between the normal i20 and the i20 N line. फिर अगर अब हम i20 N line के दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो हमने बहुत बार देखा है कि जब किसी गाड़ी का एक पावरफुल वेरिएंट आता है, एक थोड़ा स्पोर्टी वेरिएंट आता है, तो उसमें जो हैंडलिंग रहती है वो मोर और लेस सेम रहती है, बिकॉज इट्स जनरली ओनली द इंजन दैट गेट्स अ चेंज। सस्पेंशन लोग वैसे ही छोड़ देते हैं मैनुफैक्चरर्स हैं, बट i20 में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसका कुछ ऑपोजिट हुआ है, बिकॉज इसका जो इंजन है वो सेम रहा है। यू गेट द सेम 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन विच आउटपुट्स 120 PS एंड 172 Nm। ट्रांसमिशन भी सेम है, 6-speed IMT और 7-speed DCT, बट सस्पेंशन जो है वो नया है। इट हैज़ बीन रीट्यून्ड रादर थॉरोली, बिकॉज ये जो सस्पेंशन है इस गाड़ी का वो 33% स्टिफर है रेगुलर वर्जन से। एंड वही एक रीज़न है कि कंपेयर टू द रेगुलर मॉडल इसमें बॉडी रोल काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर कंटेंड है। यही नहीं, ये गाड़ी कॉर्नरिंग करते टाइम भी काफ़ी हद तक फ्लैट रहती है, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है इसमें। और साथ ही साथ इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इनफैक्ट अगर आप ट्विस्टीज पे हैं, जैसे कि अभी हम हैं पहाड़ों के बीच, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें इस गाड़ी को चलाने में, बिकॉज कॉर्नरिंग में ये कार पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। सो इसका सेकेंड प्लस पॉइंट जो है वो है इसकी हैंडलिंग। और फिर अगर अब हम थर्ड प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसका पंची इंजन। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। लो एंड थोड़ा सा वीक है, बिकॉज स्पेशली अगर आप IMT वेरिएंट चला रहे हैं तो उसमें जब तक टर्बो ढंग से स्पूल नहीं होता अराउंड 1200-1000 RPM तक, तब तक तो लो एंड थोड़ा वीक है उसका। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आई जब हम हिल्स पे थे, अपहिल पे थे, पर जो इसका मिड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट टॉप एंड परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है एंड 80-120 या फिर 60-100 ये काफ़ी तेज़ एक्सलरेट करती है। एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दिस 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन एंड द रिवाइज सस्पेंशन पैकेज ऑफर्स। एंड परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ द न्यू i20 N लाइन। अब हम Hyundai i20 N लाइन के फोर्थ प्लस पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि इसका जो बेस मॉडल है, जिसको Hyundai N6 बोल रही है, उसमें भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रहे हैं, डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिल रहे हैं, यही R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, साथ ही में क्रूज कंट्रोल मिल रहा है और चारों ही व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ वॉट ट्रिम यू चूज यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स। इनफैक्ट आपको बेस मॉडल में भी एक 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिल रहा है। और यही नहीं, अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको ट्विन टिप स्पोर्टी मफलर, LED टेल लैम्प और ESC विद VSM, हिल असिस्ट कंट्रोल और साथ ही साथ रियर कैमरा एंड सेंसर्स भी मिल रहे हैं। और फिर अब हम अगर Hyundai i20 N लाइन के फिफ्थ प्लस पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि Hyundai की और गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी इस कार मेकर के जो एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क है उससे बेनिफिट करने वाली है, विच मीन्स कि आप कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में हो आप आराम से इस गाड़ी को सर्विस करा सकते हैं। और यही नहीं, इसकी जो आफ्टर सेल्स है आई एम क्वाइट श्योर वो अफोर्डेबल होने वाली है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करें VW पोलो GT TSI के साथ, विच इज़ इन फेमस फॉर इट्स एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ये तो बात थी Hyundai i20 N लाइन के 5 प्लस पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं 2 नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि 2 कॉन्स की। इनमें से पहला ये है कि जो इसका IMT वेरिएंट है दैट कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज जो इसका ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक नॉची है, स्पेशली अगर आप
सेकेंड से थर्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत बार मिस शिफ्ट होते हैं, विच मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो Hyundai को बेटर करना चाहिए था। एंड पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव जब Hyundai ऑलरेडी एक 7-speed DCT दे रहा है तो द सेकेंड ऑप्शन शुड हैव बीन अ 6-speed मैनुअल एंड नॉट एन IMT। तो वो एक जरूर ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा कम्स अक्रॉस एज अ चिंक इन द आर्मर ऑफ दिस कार। और फिर फाइनली अब हम अगर इस गाड़ी के सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। इनफैक्ट इसका जो बेस मॉडल है वही लगभग 10 लाख रुपए का है एक्स शोरूम, और जैसे टॉप मॉडल है उसकी ऑन रोड जो कीमत है वो 13 लाख से भी कहीं ऊपर चली जाती है। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट अगर आप एक मार्केट में गाड़ी खरीदने के लिए 13 से 14 लाख की, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि भले ही इतनी अच्छी स्पोर्टी परफॉर्मेंस आपको ना दे पाएँ बट और भी काफ़ी सारे क्वालिटीज़ ऑफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द सेम प्राइस यू कैन गेट अ क्रेटा पेट्रोल और इवन अ क्रेटा डीजल जो कि तकरीबन इतनी ही पंची है, इससे ज़्यादा स्पेस ऑफर करेगी, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर करेगी। तो बेसिकली बात यह है कि प्राइस अगर इसका थोड़ा सा कम होता तो शायद ये एक और बेहतर ऑप्शन साबित होती। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे नई Hyundai i20 N-Line के 5 pros और 2 cons। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस नई गाड़ी को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे हम आपके इन डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और मेरे को पूरी आशा है हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स पर।